लिट्टी के विषय में भी एजेंसियों की और जो ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार हैं उनके भी मीटिंग बुला रखी थी, तो इसी विषय पे ही मेरे को भी कल भी इसी विषय पर ही बातचीत होती है भी लिफ्टिंग को हम कैसे कंट्रोल करें। अब की बार सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ना, जो उतारने का पॉइंट है उनका एक ही है अभी फिलहाल, ये दी किसने है इसको, और जो स्पेशल लगती है उसमें 7 मंडियाँ जुड़ी हुई हैं, एक मंडी से स्पेशल लगे कम से कम एक मंडी तो क्लियर हो, तो वहाँ भी दिक्कत आ रही है। आज FCR ला रखे थे FCI बने वाले, तो वो भी कर रहे हैं उसके बारे में कर रहे हैं, कल से हम स्पीड बढ़ा देंगे, कल से कह रहे हैं अभी हम 60-70 हज़ार कट्टा प्योर मंडी से उठवाएंगे। तो आपका कहना है कि कुल मिला के ये सरकार की दी हुई समस्या है, स्थानीय स्तर की नहीं है? हाँ जी, ये तो ऊपर से जो सिस्टम है ना सिस्टम गलत है, जैसे पहले था, पहले एजेंसी अपना माल अपने गोदामों में अपने लगा लेती थी मंडी से उठा लेते, उसके बाद आपसे एक डिलीवरी अपने हिसाब से वो करती थी, अब की बार सारा माल FCI को जाएगा सीधा, इसकी वजह से समस्या। अच्छा, अनाज मंडी के बीच में हर तरफ सड़क पे हाँ जी इतने गंदगी के इतने ढेर लगे पड़े हैं ना कबाड़े के कूड़े के, कि उसके ऊपर से दो पहिया वाहन का गुजरना मुश्किल है। हाँ, उसके लिए मैंने अभी ठेकेदार को बुलाया था, उसको बोल देंगे एक बार इसको इकट्ठा करके साइड में लगा दे, जैसे ही शाम को ट्राली की जगह बनेगी ना, बड़ी ट्राली होती है तो जैसे ही ट्राली अंदर जाएगी शाम को तो उसको सारे मेरे ख्याल में उठवा देंगे। 9 तारीख से ये ज्यादा शुरुआत हुई है और आज 17 तारीख है, क्या इतने दिन में किसी को समझ नहीं आया कि यहाँ लोग चोटिल हो रहे हैं? नहीं, समझ है, समझ क्यों पता क्या है, उसका ट्राली है ना जो बढ़ नहीं सकती, उसको बोले अभी अपने ट्रैक्टर से ना इसको रैक पर लगा के साइड में, ये देखना ठेकेदार का काम है उसकी ट्राली जा रही है नहीं, वो कैसे भी उठाए, वो लेबर लाना उसका, उसको बोल दिए उठाने, इतने दिन में उसको नहीं समझाई। तीसरा ये है कि चौकीदार लगाया क्या कोई मार्केट में? तो किसानों की ये फसल चोरी हो रही है, किसानों का ही कहना है ये कि ये जो मांगने वाली है लेडीज है ये कट मार के या किसी तरह से हमारा अनाज इसमें उठा देती है, और जब हम लिफ्टिंग रात में हमारे आदमी ड्यूटी लगा रखे हैं, उनको सुबह भी पर आदमी रोकता है, उनको अगर कोई ऐसे करते हैं उनको बाहर निकालते हैं। अभी भी मैंने देखी है 10-20 रुपये तो मैं भी देखती हूँ, उसको रोकने को क्या कोई ऐसा प्रावधान है भी मार्केट कमेटी चौकीदार लगाए? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई नहीं, मंडी एसोसिएशन लगाती थी पहले, उसके बाद पतन मंडी से पहले जिन्होंने हमारी समस्याओं को देखते हुए यहाँ हमें आके जाना भी हमारी क्या समस्या है, इसके लिए मेरे सारे पत्रकार भाइयों को धन्यवाद करता हूँ। हमारी समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है सर, अभी अभी स्पीतो मंडी में आग लगी है सर, काफियाँ बोरियाँ भी सड़ गई, कणक भी सड़ गई, ऐसा ही डर हमारे यहाँ सता रहा है, क्योंकि यहाँ तो लिफ्टिंग ना के बराबर है, सरकार का कोई ध्यान नहीं इसकी तरफ। मैं SDM साहब से भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, ना कोई पॉइंट ढंग से चल रहे, ना उठान हो रहा, ट्रांसपोर्ट भाइयों से मिल चुका हूँ कोई भी सुनवाई नहीं है, लगभग 10 लाख बोरी गवर्नमेंट की परचेज हो चुकी है जिसमें से अब तक लगभग 1.5 लाख कट्टा उठा है, बाकी मेरी मंडी में ऐसा ही पड़ा है, मंडी के अरेवल लगभग 14 लाख कट्टे आ चुके हैं, मंडी में जो लिखाना भी बाकी है। मैं सरकार से बार बार आग्रह कर रहा हूँ, अगर 2-3 दिन के अंदर सरकार ने इस पर कोई जोर नहीं पकड़ा उठवाई के ऊपर ट्रांसपोर्ट को नहीं खींचा तो मैं मंडी को ही बंद करा दूंगा यहाँ ये माल, मैं नोटिस देके सर को साहब को सारे प्रशासन को, और मैं बिल्कुल भी बोरी नहीं उठवाऊंगा कोई भी, इसका मालिक ठेकेदार होएगा प्रशासन होएगा, एक एक 1.5-1.5 किलो की बढ़ोतरी आ गई सर, कौन देगा इसको? 45 रुपये तो हमारे कार्ड मिलती है, सारे दिन हम बाजे फिरते हैं पीछे पीछे, सरकार ने हमारी रोटी भी छीनने की कोशिश कर रही है, ये तो आड़ती भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरा साथ दे रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ आड़ती मेरा कहना मान रहे हैं, मैं इसलिए अपने आड़ती भाइयों का भी बहुत दिल से तह दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ है, लेकिन प्रधान होने के नाते ये मेरे साथ है सारे, अगर 2 दिन के अंदर मेरी उठवाई 1 लाख कट्टों की नहीं बैठी तो मैं मंडी को डंप कर दूंगा सर, एक भी कट्टा नहीं उठने देंगे ये माल आके संभव सारे गोड़ में। अब थोड़ी सी प्रक्रिया बताते हैं हम क्या है, सबसे पहले अनाज मंडी में माल आता है, मार्केट कमेटी के अफसरों द्वारा एजेंसी को माल दिया जाता है, मार्केट कमेटी उसकी ऑप्शन करती है, एजेंसी उसकी परचेज करती है, मार्केट कमेटी का भी कहीं ना कहीं पूरा 100% रोल होता है, वो एजेंसी को बोले या ठेकेदार को बोले कि मेरी मंडी में माल क्यों पड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जिसके बारे हम सेक्रेटरी साहब से मिले भी थे और उनको बताया, वो भी यही बात करते हैं, कोई बात नहीं बात करते, अगर जैसे उठान नहीं होता तो आड़ती एसोसिएशन तो आगे क्या कदम उठाएगी? हम तो देख रहे हैं, 1-2 दिन की बात है,
सभी को, एजेंसियों को भी, मार्केट कमेटी को भी, सबको लेटर दे देंगे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे इसमें आग लग जाए। अभी कल की बात है, सिद्धो मंडी में आग लगी है, कितने कट्टे जल गए वहाँ पे, बारदाना भी जल गया। नुकसान तो कल को गवर्नमेंट आरती से लेगी ना, आरती कहाँ देगा? जब तक ये माल का उत्थान नहीं होता, क्या इस सारे माल की जिम्मेवारी एक और भी नंबर देखो ना, गवर्नमेंट की क्या कहते हैं कि हम जमींदार के माल की 72 घंटे के अंदर पेमेंट देंगे, कागजों में भी कह रहे हैं। जब तक ये माल सरकार के पास गोडाउन में नहीं पहुंचेगा, चाहे इसको 15 दिन लग जाए, फार्मर को भी पेमेंट देंगे।